वेरी गुड इवनिंग सभी को। वैसे तो मैं ओनली बीएससी वालों को ही पढ़ाता हूँ, मेरा कोई ज़्यादा ऐसा लिंक नहीं है कि डिफेंस या एयरफोर्स नेवी वालों को मैं पढ़ाता हूँ। बट मैं आज ऐसे ही टाइम मिलता है तो मैं ऐसे ही देख रहा था चीज़ों को, मुझे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली क्योंकि बीएससी के फर्स्ट ईयर के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी काफ़ी का मेरे पास कॉल आया और मैंने कई जगह देखा भी और उसकी शुरुआत भी की गई। आज शुरुआत भी की गई आपके जो उत्कर्ष क्लासेज है जोधपुर, वहाँ से जो सुबह की क्लास, मॉर्निंग की जो क्लास है एक काफ़ी पॉपुलर है कुमार गौरव सर की, तो उनके द्वारा एक नई पहल भी की गई थी और फिर मैंने इसके बारे में विचार भी किया तो उन्होंने एक हम्बल रिक्वेस्ट भी की है, चाहे वो कोई भी हो, उनके छोटा भाई हो चाहे उनके बड़ा हो, उनसे सबने यही रिक्वेस्ट की थी। और ये बात रिक्वेस्ट करने की भी नहीं, ये बात आप सभी के लिए। इस वीडियो को आप एक बार कम देखिए तो आप खुद सोचोगे कि वास्तविकता में क्या चीज़ है। सबसे पहले आपको बोर्ड पे जो एक बड़ा सा वर्ड दिखाई दे रहा है एयरफोर्स, तो बीएससी वालों का सबका सपना रहा होगा फर्स्ट ईयर में आते ही कि एयरफोर्स का जो सिलेबस है वो कर लूँ सर, मैं एयरफोर्स की एग्जामिनेशन दे देता हूँ, क्या मैं एयरफोर्स में लग जाऊँ तो बहुत बड़ा स्कोप है। और अपने घर वालों की भी यही उम्मीदें रहती है कि जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। और ये जॉब मिलने का जो टाइम होता है ये 16 से लेकर 21 तक, यानी 16 से 19 साल तक मैक्सिमम बोला जाता है। ठीक, इसका एग्जाम इस बार एयरफोर्स का हो रहा है आपका 18 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में। ठीक है, 18 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के बीच में आपका इंटरवल में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है एयरफोर्स अपना। दो ग्रुप होते हैं एयरफोर्स के अंदर, एक होता है एक्स ग्रुप और एक वाई ग्रुप, इन दोनों का कंबाइंड एग्जाम लगता है। तो उन एग्जाम जो कंबाइंड एग्जाम लग रहा है वो एग्जाम इस बार 18 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में है। तो ये बात आप सभी जानते हो, ये आप अभी तक कॉलेज कर या कॉलेज से पास आउट हो जो मेरे कांटेक्ट में हैं, फिर आपके अदर कांटेक्ट में ये वीडियो सारी जगह आप उनके पास तक सेंड करें ताकि उन पता चले कि कैसी क्या सिचुएशन चल रही है। आपको पता है कि जो नया जो एग्जामिनेशन सेंटर आया है उसके अकॉर्डिंग इस बार स्टेट के इधर के उधर किए गए हैं, ना कि डिस्ट्रिक्ट इधर से उधर हुए हैं। यहाँ तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो बच्चे हैं, यानी कॉलेज कोर्सेज यानी बीएड करने के बाद, जो एक ऐसा टीचर, जो एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स जिसके बाद वो अपने अपनी योग्यता के अनुसार वो जाके किसी ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे खड़े होने लायक होता है, उसको प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं झुंझुनू से जयपुर अजमेर एग्जाम देने कैसे जाऊंगा। और ये बात नॉर्मल समय की बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल समय में भी वो बच्चे स्ट्राइक कर देते हैं, या फिर जो ट्रेंड है आजकल ट्विटर ट्रेंड का जो जमाना है वो भी चल रहा है, उसमें सारे चीज़ एक एक जगह हो जाते हैं। तो एक बात बताओ, कोविड के दौरान आपके अपने छोटे भाइयों के लिए, अपने छोटे चिरागों के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना क्या पॉसिबल है, और वो भी कब, जब देखो राजस्थान में इंडियन, ये बात आती है। और ये बात एक मैं जोर दे के भी इस बात के लिए बोल रहा हूँ और इस बात का मुझे गर्व भी है कि जो आपके मेरा जो सेकावाटी बैच है झुंझुनू सीकर नागौर, हो सकता है अदर स्टेट में, मैं अदर जिले में मैं ये नहीं बोल रहा कि वहाँ पे, पर एक जो करेज होता है, जो एक क्रेज होता है डिफेंस के लिए, वो क्रेज देखने के लिए मिलता है सेकावाटी बेल्ट के अंदर। और वो जो सेकावाटी बेल्ट है उसके जो छोटे 16 से लेके 19 साल के बच्चों के लिए इस बार जो एयरफोर्स ने जो एग्जामिनेशन सेंटर ने दिए हैं, कल जो आपका उनका टाइम वो एडमिट कार्ड जो दिया गया था, उस एडमिट कार्ड के दौरान आप एक बात सोच के देखना, जोधपुर से जो बच्चे हैं, झुंझुनू से जो बच्चे हैं, जो अजमेर से जो बच्चे हैं, बाड़मेर से जो बच्चे हैं, बीकानेर से जो बच्चे हैं, यदि उनको ऐसा बोला जाए घर से कि मेरा सेंटर जयपुर है तो घर वाले दो बार सोचते हैं कि इसका सेंटर जयपुर है। अब एक चीज आप सोच के देखिए कि इस बार सेंटर कहाँ दिया गया है, इस बार सेंटर जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर या कहीं और जगह पे नहीं है, या फिर जो बोला जाता था कि एयरफोर्स के कैंप्स है जैसे अंबाला वगैरह वहां पे भी नहीं। इस बार जो सेंटर्स दिए गए हैं वो नाम मैं बोल रहा हूं एक बार आप सुनना भाई, मणिपुर, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, सिक्किम, ये इतने सेंटर हैं। और इन सेंटरों की यदि लोकेशन एट लोकेशन में जयपुर से यदि डिस्टेंस बोलूं तो मिनिमम डिस्टेंस इनकी 850 से लेकर 1200
25 किलोमीटर के अराउंड सभी के बीच में डिस्टेंस है, 2500 के अराउंड किलोमीटर की डिस्टेंस है सारे डिस्टेंस। अब आप एक बात बताओ, उस दौरान जहां कोविड पेंडेमिक चल रहा है उसके दौरान जो कुछ ट्रेनें हैं वही आपको अवेलेबल हो रही हैं, उसके लिए भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, आप 1 घंटे पहले आओगे रिजर्वेशन होगा तो ही आप ट्रेन में सफर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्ट लगा दिए गए हैं जिससे बच्चे को 1 महीना तो कम से कम ये सोचने के लिए चाहिए कि मुझे वहां जाना है। आप किसके पास रहोगे आज इस दौरान कोविड पेंडेमिक के दौरान? आप किसी के पास भी जाता है तो रखने के लिए 4 बार सोचता है, 4 बार सोचेगा। यदि कोई फैमिली मेंबर भी रह रहा है तो वो सोचेगा, वो बोलेगा मैं बाहर हूं, मैं यहां हूं, मैं हूं, सब बहाने उस दौरान। अब एक चीज देखें, ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे बच्चों के फादर्स काफी गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर उनके काफी पैसे वाले हैं। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ 60% स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनके फादर या तो फार्मर्स हैं या फिर जो बेचारे डेली रोजमर्रा की कमाई से अपना घर चलाते हैं। अब एक बात समझो, जो इंसान 500 रुपये पर डे लेके आता हो, वो बच्चा अपने बच्चे को एग्जाम दिलाने के लिए जोधपुर बीकानेर या जयपुर से मणिपुर लेके जाता है 2400 किलोमीटर, तो उसके लिए भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आपको 72 घंटे से पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आपके साथ लेके जानी है। मजे की बात यह कि पहले तो यहाँ कोविड टेस्ट करवाओ, उसका कोविड आने की रिपोर्ट आपकी लगभग 12-13 घंटे ले लेती है, 15 घंटे भी ले लेती है, और इस दौरान तो मे भी 24 घंटे ले लेती है। वो आने के बाद आप जाओ, क्या पता 24 घंटे से पहले पहुंच नहीं पाओ तो आपको एग्जाम नहीं देने देंगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है बहुत से बच्चों के साथ। और कुछ बच्चों ने तो 25,000-30,000 रुपये देकर चाहे किसी से लेकर उन्होंने अपना क्या किया है, अपने घर से किसी से उधार लेके अपने बच्चों को एयरफोर्स एनडीए या इनकी तैयारी करवाई है, तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली मना कर देंगे क्योंकि इतनी दूर जाना पॉसिबल नहीं है, इतना दूर जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो रोजमर्रा की जो अपनी कमाई से जो व्यतीत कर रहा है अपना जीवन, वो अपने बच्चे को 5 दिन लेके जाएगा, करीबन 6 दिन लगेगा एग्जाम दिलाने के लिए, जिसका मणिपुर सेंटर है 2400 किलोमीटर, उसको कोविड रिपोर्ट वहां से करवानी। अब वो उसकी लैंग्वेज नहीं जानता वहां की, क्या लैंग्वेज है वहां से ये नहीं जानता, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका क्या है, उनकी लैंग्वेज किस तरीके से आएगी, और वहां की कौन सी जगह कहां पर है, और जो डेली मार रोजमार जिंदगी जी रहे हैं ना, उनको कोई ऐसा नहीं है कि एंड्रॉइड मोबाइल पे गूगल पे सर्च कर लिया, किसी से बात कर लिया, है पॉसिबिलिटी ऐसी, पर अभी भी कुछ ऐसे हैं तो अभी इन चीजों से दूर है, एंड्रॉइड मोबाइल इन सारी चीजों से। वैसे मैं आपको पहले ही बोल दिया था मैं बीएससी कंप्लीट पढ़ाता हूं, मेरा ऐसा कोई नहीं था, पर मैं भी एक जिम्मेदारी के तौर पे आपको ये चीज बोली है, तो आपकी भी जिम्मेदारी एक बनती है अपने छोटे भाई बहनों के लिए, अपने छोटे चिरागों के लिए। कल एक ऐसा छोटा सा मुहिम चलाया गया है, हो सकता है उसका कुछ इफेक्ट निकल आए, अपन पॉजिटिविटी के साथ कोई काम करते हैं तो वो काम हमेशा होता है, क्योंकि दिमाग का ही सारा खेल है, यदि अपन पॉजिटिविटी के साथ चलते तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी 101% होती है, यानी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। इसी के साथ आपको लास्ट एंड फाइनल मैं आपको एक ही चीज बता देता हूं, क्योंकि आपको पता है इतनी दूर सेंटर एग्जाम पे देने के लिए जो मिनिमम कॉस्ट आने वाला है वो 8,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की कॉस्टिंग आने वाली है, क्योंकि वहां रुकना भी है, खाना भी खाना है, ट्रेवलिंग का भी पैसा है, सारी चीजों का पैसा है, सब चीजों को देखना पड़ता है, तो इतना पैसा देने के लिए मुझे नहीं लगता कोई अपना फैमिली मेंबर इसलिए इस समय तैयार होगा इस पेंडेमिक के दौरान। एक छोटा सा जो एफर्ट है वो अपनी तरफ से कर रहे हैं सभी लोग, तो आप भी करने में कुछ नहीं जाता, इतना टाइम इंपॉर्टेंट आपका भी नहीं है कि आप 5 मिनट अपना समय नहीं निकाल सकते, अपने अपनों के लिए चिरागों के लिए 5 मिनट तो निकाल ही सकते हो सारे के सारे। तो आपको मैंने बता दिया कि एग्जाम है एयरफोर्स का एक्स वाई ग्रुप का, उसका सेंटर चेंज कर दिया गया अदर स्टेट में, वो पॉसिबल नहीं है जाना, इसलिए ट्विटर पे कल आपको एक ट्वीट करना है, कितने बजे ट्वीट करना है वो आपको 10 तारीख यानी कल कितने बजे करना है आपको 11 बजे सुबह 11 बजे, और ट्विटर पे क्या आपको ट्वीट करना है, #change my center का आपको ट्वीट करना है, और ये ट्रेंड होता तो इसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं उसमें आपकी भी भागीदारी सारों की। और टैग जिन जिनको करना है वो पीएमओ नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्ट्री और फोर्स इंडिया और आईएएफ और एमसीसी, इन सारों को आपको क्या करना है, टैग करना है सभी को, और ये
लास्ट और फाइनल मेरे छोटे भाई या मेरे स्टूडेंट या मेरे से बड़े जितने भी हैं जो मेरे से कनेक्ट है, उसको मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उन सभी को कि आप ये सारे के सारे 11 बजे एक बार अपना 5 मिनट का टाइम अपना कीमती समय में से निकाल कर ये अपने चिरागों के लिए दीजिएगा। हो सकता है किसी का बेनिफिट हो तो आपकी उसमें भागीदारी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।